बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पे आज हम नॉन सीजनल वीज़ा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ने कहा था कि भाई सीजनल वीज़े पे तो सभी वीडियो बनाते हैं, आप नॉन सीजनल पे आप वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि नॉन सीजनल वीज़ा क्या होता है और वो कितनी देर की परमिशन सोजोर्नो मिलती है और कौन कौन से शोबे के अंदर जो है वो आप नॉन सीजनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और जो है वो कितने टाइम का आपको जो है वो परमिशन सोजोर्नो मिलेगी। तो देखते रहें इस वीडियो को, मुकम्मल गाइड करूंगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और जो नए दोस्त आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने दोस्त हैं वो लाइक और शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप देख रहे हैं सलीम रज़ा व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी दोस्तों, तो नॉन सीजनल वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो ये शोबे हैं जी। इलेक्ट्रिशियन के शोबे में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका मैकेनिक का शोबा है और ट्रांसपोर्ट है, और जो लोग ड्राइवर हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जी रेस्टोरेंट है और जो लोग प्लम्बर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और हेयर ड्रेसर्स के शोबे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और शिपिंग का जो है शोबा उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जो हैं वो नॉन सीजनल, यानी ये सीज़न पे डिपेंड नहीं करता, ये नॉन सीजनल वीज़े हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटे की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है वो 2023 में 1,36,000 में से जो नॉन सीजनल वीज़े हैं वो 52,000 थे, और 2024 में अगर देखें तो ये 1,51,000 टोटल वीज़े हैं, जिसके अंदर नॉन सीजनल जो हैं वो 61,000 हैं, और इसी तरह ही 2025 में 1,65,000 टोटल वीज़े हैं और उसमें नॉन सीजनल जो है वो तकरीबन 70,720 हैं। तो ये हैं जी नॉन सीजनल वीज़े जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि 2 जनवरी से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अप्लाई करने के लिए ये भी बता चुका हूं कि एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो जिसमें 20 दिन लग जाते हैं, और घर का भी वो हलो जो थी वो बनवाना होता है उसमें भी टाइम लगता है। तो अभी से आप जो है वो प्रिपरेशन करवाएं, फाइल्स बनवाएं और अप्लाई करें। क्लिक डे की बात करें दोस्तों, तो जो नॉन सीजन का क्लिक डे है 2024 का वो 5 फरवरी है, और 7 को जो क्लिक डे है वो डोमेस्टिक वालों का, और 12 को है वो एग्रीकल्चर वाला, जो सीजनल वीज़े हैं जो 9 महीने के हैं वो 12 को होगा। तो नॉन सीजनल वाला 5 फरवरी क्लिक डे है, तो ये आप याद रखिएगा। क्लिक डे का तो दस छड़िया कि 5 होना, तो उस तो बाद जरा ना नूला उस्ता दे टाइम लगेगा। वैसे तो जो है वो गवर्नमेंट इटालियन जो है वो 30 दिन का टाइम देती है नूला उस्ता निकलने का, और 30 दिन में कुछ नूला उस्ता निकलते भी हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ टाइम भी लगता है, कुछ लोगों को 6 महीने 8 महीने साल तक भी लग जाता है। कुछ लोग अभी तक 27 मार्च वाले जो वेट कर रहे हैं उनका भी नूला उस्ता नहीं निकला। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जल्दी नूला उस्ता निकलना स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं कि जब कोई बंदा नॉन सीजनल वीज़े के ऊपर पाकिस्तान से इटली आ जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, जो कि मेन क्वेश्चन यही होता है कि इटली आने के बाद जो है वो क्या प्रोसेस होगा। तो देखें, जिस एजेंट से भी आप बात करते हैं यहाँ पे इटली आने के लिए, नॉन सीजनल वीज़े की बात कर रहा हूँ, तो उससे यह भी बात करें कि वो आपको परमिशन सोजोर्नो जो है वो ले कर दे, क्योंकि परमिशन सोजोर्नो जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इलीगल होंगे, यहाँ पर सिर्फ एंटर होंगे इटली में। तो अगर आपको जो है वो परमिशन सोजोर्नो मिल जाती है तो वो 1 साल की होती है नॉन सीजनल वीज़ा के ऊपर, तो उसके ऊपर आप जो है वो आसानी से काम कर सकते हैं। और जब 1 साल गुजर जाए तो आप कॉन्टैक्ट लगवा के उसको रीन्यू करवा सकते हैं, और उसके बाद उस परमिशन सोजोर्नो के ऊपर जो है वो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भी जा सकते हैं, यूरोपियन कंट्री जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी आसानी से जो है वो आप घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं जी। तो अगर आपका जब कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं मिलता, तो फिर ये भी हाल उसका होता है कि आप कॉन्टैक्ट कहीं से ख़रीद भी सकते हैं किसी दोस्त से, तो उसके अलग से पैसे लगते हैं लेकिन वो फ्री में नहीं है। लेकिन ये है कि आपका प्रोसेस जो है रीन्यू करने के लिए कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट के बगैर जो है वो परमिशन दी सोजोर्नो वीज़ा कार्ड कह लें वो रीन्यू नहीं होगा। तो ये है जी सारा प्रोसेस नॉन सीजनल वालों का, और सीजन वालों के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं
अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।